और दोस्तों हमारे तीसरे व्लॉग में आपका स्वागत है। हम लोग जा रहे हैं गोपीनाथ मंदिर, जो कि जयपुर में बहुत ही फेमस मंदिर है। तो हम बस वहां पहुंचने ही वाले हैं, गलियों से होकर गुजर रहे हैं। लोग आखिरकार गोपीनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। ये रहा ये मुख्य द्वार, अब हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। तो इस समय तो अभी बंद है मंदिर, जिसकी टाइमिंग बता दूं मैं 4:30 से 5 बजे सुबह खुलता है, फिर 8:30 से 9:30 सुबह खुलता है, फिर 9:45 से 10:15 सुबह, 11:30 से 11:30 सुबह, 5:30 से 5:40 शाम को, फिर 5:50 से 6 बजे शाम को, फिर 6:30 से 7:30 शाम को, फिर 8:00 से 8:05 बजे और फिर आखिरी में 8:30 से 8:45 तक खुलता है। तो ये परिसर है पूरा गोपीनाथ टेम्पल का इधर का। तो देख सकते हैं थोड़े भक्तजन यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं कि कब ये मंदिर खुलेगा। आगे एंजॉय करिए। मंदिर में सिल्वर्ड डोर्स यहाँ पे कार्व किए गए हैं, नक्काशी यहाँ पे, और बहुत ही अद्भुत यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं दीवारों पे। देख सकते हैं आप, ये पूरा कार्विंग्स बहुत अच्छे से की गई है, अंदर लाइट बहुत अच्छे से लगी है। और ये वर्शिप जो की थी गोपीनाथ की, वो उनको दे दी गई थी, आचार्य श्री मधु पंडित थे जो कि एसोसिएट थे सिख्स, जो गोस्वामी थे वृंदावन के। उनमें आज़ादी से पहले यहाँ पे एक अंग्रेज आया था, इसका एक इतिहास ये भी है। उसका कहना था कि अगर ठाकुर जी के में प्राण रहे तो वो घड़ी धड़कन से चलेगी, जब वो घड़ी ठाकुर जी को पहनाई गई तो वो चलने लगी। तो ये मान्यता के अनुसार यहाँ पे ठाकुर जी को घड़ी पहनाई गई, जो आज भी चलती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो ये सामने आप देख रहे हैं मनोरम दृश्य यहाँ पे। आप देख सकते हैं आरती यहाँ पे शुरू हो चुकी है, पंडित जी आरती करते हुए यहाँ पे गोपीनाथ भगवान की। ये देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कितना अद्भुत यहाँ पे दृश्य दिख रहा है। सामने एकदम ठाकुर जी विराजमान है मेरे, और देख सकते हैं कितना भी जूम करके दिखाऊं तो बहुत ही अद्भुत यहाँ पे दृश्य लग रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, दर्शन करिए। से दिखाता हूँ तो देख सकते हैं आप इधर की तरफ भक्तजन यहाँ पे आरती कर आनंद लेते हुए यहाँ पे मजे कर रहे हैं, भक्तिमय वातावरण यहाँ पे है। और ये पूरा चारों तरफ का मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, ये पूरा मंदिर का परिसर ये देख सकते हैं आप इधर से, आप और इन्जॉय करिए। और आपको एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ के महंत जी ने हमें बताया कि राजस्थान में मौजूद श्री कृष्ण के 3 विग्रह हैं, करौली के मदन मोहन जी, जयपुर के गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी को एक ही शिला से तैयार किया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही अद्भुत इतिहास है यहाँ का। एंजॉय करिए आरती को। एक मान्यता के अनुसार बताऊं तो कंस ने जिस शिला पर अपनी बहन देवकी के जन्म में बच्चों को मारा था, भगवान श्री कृष्ण के प्रबोध वज्रनाभ ने उसी 3 टुकड़ों किए। और विग्रह पहला जो था वो मदन मोहन जी का था, दूसरा विग्रह गोपीनाथ जी कहलाया और तीसरा गोविंद देव जी का है। ये 3 विग्रह करीब 5000 साल पुराने हैं। तो देख सकते हैं कितना अद्भुत यहाँ पर इतिहास है। और देखिए कितना जूम करके मैं दिखा रहा हूँ भगवान को, उनके हाथ में घड़ी भी है और आरती का यहाँ पे भक्त जन आनंद लेते हुए। बहुत ही मनमोहक झांकी यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी की हमको देखने को मिल रही है। इधर से देखिए पूरा व्यू, मैं चारों तरफ का घुमा के दिखा रहा हूँ, बहुत ही ऑसम यहाँ पे मज़ा आ गया। आई होप यू हैव एंजॉयड द होल व्लॉग। नाउ इट्स टाइम टू टाटा बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।